नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आप लोग राजस्थान, मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं टोंक के दूनी में 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई। बकरियां चराते वक्त महिला 2 बच्चियां पानी में डूबी हैं। दोनों बच्चियों और महिला की पानी में डूबने से मौत हो गई। ग्राम पंचायत चारनेट के ग्राम गैरोटी का मामला बताया जा रहा है। 3 की मौत हो गई है। टोंक में दूनी में 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। बकरियां चराते वक्त एक महिला और 2 बच्चियां पानी में बह गई, पानी में डूब गई। दोनों बच्चियों और महिला के पानी में डूबने से मौत हो गई है। ग्राम पंचायत चारनेट के ग्राम गैरोटी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने जब तक इन तीनों को पानी से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, तब तक तीनों ने दम तोड़ दिया था। ये तस्वीर आपके सामने, बेहद दर्दनाक हादसा यहाँ पर ये घटना घटी है। 3 लोगों की जान चली गई, जिसमें 2 बच्चियां बताई जा रही हैं और एक महिला है। पुरुषोत्तम जोशी हमारे सहयोगी जुड़ गए। पुरुषोत्तम, ये हादसा हुआ कैसे और क्या जानकारी है इस पर? जी देखिए, लगातार राजस्थान के अंदर मानसून मेहरबान है और इस मानसून की मेहरबानी से जो आफत बन के बारिश गिर रही है, उससे ये एक बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल ये हादसा दूनी क्षेत्र के गाढ़ थाना इलाके के अंदर गेरोटी गाँव के पास हुआ है, जिसके अंदर दरअसल एक दादी और 2 पोतियां बकरियां चला रही थी। इसी दौरान तेज बारिश आई और उस तेज बारिश के दौरान पहाड़ की जो पठार है, एक नाला जिसे कह सकते हैं बरसाती नाला, उस नाले की चपेट में आने से ये तीनों पानी के तेज बहाव में बह गए। हालांकि स्थानीय जो लोग थे उन्होंने कड़ी मशक्कत कर इनको बचाने की कोशिश की, लेकिन इनकी जान बच नहीं पाई और तीनों की मौके पर मौत हो गई। फिलहाल सूचना पर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और जो स्थानीय ग्रामीण और परिजन है वो मौके पर पहुंचे हैं। समझाइश की जा रही है, हालांकि आक्रोशित है लोग, लेकिन उसके बाद भी समझाइश और सुलह जा रही है ताकि मौके पर ही पोस्टमार्टम करवाकर तुरंत शवों को घर पहुंचाया जा सके। जी धन्यवाद इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। तो पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है, लेकिन 3 2 बच्चियों समेत एक महिला, यानी कुल मिलाकर 3 लोगों की जिंदगी चली गई।